नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैंने आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिलीशियस फूड रेसिपीज के किचन में। दोस्तों आज की मेरी रेसिपी पनीर की रेसिपी है और आज की मेरी रेसिपी है पनीर दो प्याजा। तो पनीर दो प्याजा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। तो पनीर दो प्याजा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है पनीर, यहाँ पर मैंने फ्रेश पनीर लिया हुआ है 250 ग्राम, और यहाँ पर मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिए हैं। आप इसे किसी भी आकार में कट कर सकते हैं। हमें चाहिए प्याज, यहाँ पे एक प्याज को मैंने इस तरह से राउंड शेप में कट करके ले लिया है, रिंग्स लिए हुए हैं, ऑनियन रिंग्स, तो आप इस तरह से अनियन रिंग्स ले लें। मसालों में हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, 4 बड़े चम्मच हमें चाहिए कुकिंग ऑयल, 1 छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी, आधा चम्मच हमें चाहिए गर्म मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे। पनीर दो प्याजे के ग्रेवी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है प्याज, एक प्याज इस तरह से रफली कट किया हुआ, एक टमाटर बड़े साइज का इस तरह से रफली कट किया हुआ, 7 से 8 काजू, यहाँ पे काजू की जगह पे आप फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं, गरम मसाला मैंने लिया हुआ है तेज पत्ता के टुकड़े, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 मैंने लिया है लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी जावित्री के टुकड़े, 2 छोटी इलायची, यहाँ मैंने लिया हुआ है लहसुन 5 कलियां, 2 इंच अदरक के टुकड़े, हरी मिर्च, चूंकि पनीर दो प्याजा हरी मिर्च नहीं बनाई जाती है इसलिए मैंने आज हरी मिर्च का यूज किया है, लाल मिर्च पाउडर का मैंने यूज नहीं किया हुआ है, और इसकी क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 हरी मिर्च लिया हुआ है। तो आइए अब इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पनीर दो प्याजा बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई को पहले से गर्म करके रखा हुआ है, अब इसमें तेल ऐड करेंगे 1 चम्मच, इसमें ऐड करेंगे पनीर, पनीर को हम हल्का सॉटे करके निकाल लेंगे, हल्का हल्का हमें इसे फ्राई कर लेना है, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ता आता है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को हाई पे रखा हुआ है और अब इसे बहुत ही ध्यान से फ्राई करें वरना ये बहुत ही जल्दी काला हो जाता है पक करके। हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, और पनीर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, उन सबको निकाल लेंगे। इस तरह से, और अब हम इस प्लेट को अलग करके रख देंगे। वापस इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच के लगभग फिर से तेल ऐड करेंगे, और अब हम इसमें तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे, हो चुका है, अब हम इसमें अनियन रिंग्स डालेंगे और इसे भी हम फ्राई कर करके निकाल लेंगे। हल्का सा हम इसमें नमक ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे ताकि हमारे प्याज अच्छे से पक जाए और इसका कच्चापन चला जाए। यहाँ पर मैं इसे भी हाई फ्लेम पे पका रही हूँ, हमें इसे भी ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसे हल्का सा फिर सौते करना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, हमें इसे चलाते हुए पका लेना है। ये हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, इसे भी अब हम निकाल लेंगे। वापस इसी कढ़ाई का यूज करेंगे, वापस इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, और अब जो हमने मसाले रखे थे इसकी ग्रेवी के लिए अब उन सबको इसमें डाल देंगे, प्याज, लहसुन, सॉरी अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, काजू और गर्म मसाला। अब हम इन सबको सॉफ्ट होने तक पका लेंगे, उसके बाद हम इसे स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और पक जाएंगे।
थोड़ा बहुत इसे ढक करके पकाएंगे ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैं इसे हाई फ्लेम पे पका रही हूँ और इसे हम हर 15 से 20 सेकंड पे चलाते भी रहेंगे। हमारे यहाँ पर प्याज टमाटर सब सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। गैस को बंद कर देंगे और अब हम इसे उस प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने इसे निकाल लिया है, अब हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर हम इसे गर्म गर्म पीसेंगे तो मिक्सी का ढक्कन जो जार है उसका ढक्कन खुल जाएगा, तो इसलिए हम इसे थोड़ा ठंडा करके पीसेंगे। इसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च भी ऐड कर दिया हुआ है 1 चम्मच, और तो इसे भी हम डाल करके और थोड़ा ठंडा करके पीस लेंगे। वापस से उसी कढ़ाई को गर्म करेंगे। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, बाकी बचे हुए तेल को ऐड कर देंगे। आप इसके जगह इसी कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं, वैसे तो इसी कढ़ाई का यूज कर रही हूँ। और उसमें डालेंगे जीरा, इसे कुछ समय के लिए सौते होने देंगे। जीरा हमारा फ्राई हो चुका है, अब यहाँ पे मैंने मसालों को पीस के ले लिया है, उसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है, बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर, जीरा और धनिया पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस समय हम ऐड कर देंगे नमक। नमक ध्यान से मिलाएं क्योंकि हमने पहले भी इसमें नमक ऐड किया हुआ है, इसलिए हम नमक बहुत ध्यान से ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसे ढक करके पकाएंगे। थोड़ा हल्दी कम है यहाँ पे, मैंने आधा चम्मच हल्दी डाला था, थोड़ी सी हल्दी कम लग रही है इसमें, थोड़ी सी हल्दी मैं और ऐड करूंगी। आधा चम्मच मैंने हल्दी यहाँ पे और ऐड किया है, इसका मतलब कि 1 चम्मच हमारा हल्दी इसमें लगा है। अब हम इसे ढक करके पका लेंगे जब तक कि मसालों से तेल ना निकलने लगे। अभी 3 से 4 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद हम इसे मीडियम हीट पे पकाएंगे। हमें इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है। आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं बिना कलर ऐड किए हुए इसे बना रही हूँ। जो एक्स्ट्रा पानी था वो इसमें का सूख चुका है, अब हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। अब इसे मीडियम हाई हीट पे पकाएंगे। और इस तरह से इसमें भी हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। और अब हम इसे बिना ढके हुए पकाएंगे, इसी तरह से ओपन करके से हमें इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है ताकि हमारा मसाला तले में जाकर सटे ना, जले ना। मसाला हमारा पक चुका है, मसालों ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी हम अपने अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। आपको ग्रेवी कैसी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसे पानी ऐड करें। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे इसमें नमक टेस्ट कर लें, नमक कम हो या फिर ज्यादा हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर लें। यहाँ मैंने इस कप से 3/4 कप इसमें पानी डाला है, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक करके उबाल आने तक पका लेंगे। फ्लेम को हाई पे कर देंगे, हमारे ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने फ्राई करके रखा था,
तरह से मिक्स कर देंगे अच्छे से इसे, और हम ऐड कर देंगे इसमें पनीर जो हमने फ्राई करके रखा है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और कस्तूरी मेथी। पनीर की सब्जी बनाने में कस्तूरी मेथी मेन इंग्रेडिएंट्स होती है, इससे इसका स्वाद बहुत ही खिल करके आता है, बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 मिनट हो चुका है। लीजिए दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म पनीर दो प्याजा बन करके तैयार है। गैस को बंद कर देंगे। आइए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। लीजिए दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म पनीर दो प्याजा बन करके तैयार है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे चैनल के साथ शेयर जरूर करें। और आपकी रेसिपी कैसी बनी हमें जरूर बताएं। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी आइडिया या फिर सजेशन या फिर कुछ भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आप इसे गर्म गर्म सर्व करें, आप इसे रोटी नान पराठा के साथ सर्व करें, आप इसे स्टीम राइस के साथ भी सर्व करें। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसकी गार्निशिंग धनिया पत्ते से भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय दिस रेसिपी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।